अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये एक सब टॉपिक है. दिस इज बेसिकली द क्वेश्चंस नीड टू बी सॉल्व बेस्ड अपॉन फॉर्मूला. दो फॉर्मूला मेन होते हैं. ये क्वेश्चन यूजुअली पॉइंटर्स में नहीं आते, ये क्वेश्चन एज अ पैराग्राफ आएंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन एज अ पैराग्राफ आएंगे. तो जनरली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एक तो बहुत सिंपल वैरायटी है. हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है. अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से ये दोनों इक्वल होते हैं. एक तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे. क्या पहला आपको इन तीन में से दो दिए होंगे, एक मिसिंग होगा, वो निकालना है. बहुत आसान है, आपने दो जो दे रखे हैं वो इस इक्वेशन में डाले, तीसरा अपने आप निकल जाएगा. सेकेंड होगा, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको कोई डेट कुछ नहीं दे रखा होगा, आपको पूरे एसेट्स ना बताकर कुछ लिस्ट पकड़ा देंगे. ठीक है, कि कैश इतना है, डेटर इतना है, बिल रिसीवेबल इतना है, स्टॉक इतना है, फर्नीचर इतना है, ऐसे ही आपको कुछ लायबिलिटीज पकड़ा देंगे, क्रेडिटर्स इतना है, लोन इतना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना है, या आपको कैपिटल के अंदर कैपिटल नहीं देंगे, रिवेन्यू और एक्सपेंस. रिवेन्यू यानी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं और एक्सपेंस यानी जो नुकसान और जो खर्चे हो रहे हैं. ठीक है, रिवेन्यू और एक्सपेंस दे देंगे. ये मैंने हर बार बताया है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच पांच तरीके के अकाउंट हम बोलते हैं एलक्रे, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंस. यहाँ पर तीन तो है हमारे पास, दो नहीं है, विच इज रिवेन्यू एंड एक्सपेंस. रिवेन्यू और एक्सपेंस को हम कैपिटल के ब्रैकेट में ही एडजस्ट कर देते हैं. तो ये जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, जितने एसेट्स दे रखे हैं हम एसेट्स के ब्रैकेट में डालेंगे, जितनी लायबिलिटी दे रखी है हम लायबिलिटी के ब्रैकेट में डालेंगे, और रिवेन्यू और एक्सपेंस को हम कैपिटल के ब्रैकेट में डालेंगे. रिवेन्यू को ऐड करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे. एक्चुअली तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट अ बिजनेस गिव्स टू द ओनर विच इज कैपिटल. सो प्रॉफिट अलग हो गया प्रॉफिट, और यहां पर आ जाएगी कैपिटल. यहाँ एसेट की लिस्ट, यहाँ लायबिलिटी की लिस्ट, यहाँ कैपिटल प्लस प्रॉफिट की लिस्ट. और ये जो प्रॉफिट होगा ये कैसे निकलता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके. आप चाहे तो अलग से प्रॉफिट निकालकर फिर इस फिल इन द ब्लैंक में डाल दो. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, देन द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक पूरा पैराग्राफ होगा, उसमें ना कुछ डेट्स भी दे रखी होंगी. फर्स्ट अप्रैल यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये स्टेटस था. उसके बाद कुछ प्रोसेस हुए, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई, लास्ट डे पे ये हमारी पोजीशन थी, हमारे पास इतने के एसेट्स थे, इतने की लायबिलिटीज थी, ऐसे करके कुछ पूरा एक पैराग्राफ होगा. उस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई ऑलवेज से स्टेप वन, आप चाहो तो ये लिख सकते हो. स्टेप वन टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स नॉट पॉइंटर्स. तो स्टेप वन जो सब इसमें जो बड़ा क्वेश्चन होता है, स्टेप वन, ऑन एवरी डेट गिवन प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन. जितनी डेट आपको उस क्वेश्चन में दे रखी है, आप उस क्वेश्चन में अकाउंटिंग उस डेट पे अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करोगे. हो सकता है आपको कोई मिसिंग फिगर मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, वो इक्वेशन एक इक्वेशन की शेप में ही रह जाए, इट्स ओके. ठीक है, आपको जितनी डेट दे रखी है, सो व्हाट इज द स्टेप वन, ऑन एवरी डेट गिवन इन द पैराग्राफ प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन. दिस इज स्टेप. आपको कोई फिगर मिल सकती है, नहीं होगी, आपको वो इक्वेशन इक्वेशन ही रह जाएगी. एंड द सेकेंड फॉर्मूला विच इज टू बी यूज इन सच क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, द सेकेंड फॉर्मूला आपने जो यूज करना है, क्लोजिंग कैपिटल.
या आप ऐसे कह सकते हो कैपिटल में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। देखो हम साल से शुरू करते हैं ओपनिंग कैपिटल, प्लस करते हैं उसमें एडिशनल कैपिटल, कोई और कैपिटल अगर ओनर ने लगाई है तो, ठीक है, माइनस करते हैं हम ड्रॉइंग्स, अगर ओनर कोई ड्रॉइंग्स करके ले गया तो कैपिटल से माइनस हो जाएगी, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस लॉस। ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक ही चीज होगी एक साल में, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, यूजुअली एक ही आता है। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ गई, ड्रॉइंग चली गई, साल भर में जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो जो फाइनल जो आंसर इसका आया दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यानी कैपिटल ऑन फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, या फर्स्ट डे अगर बिजनेस इसी साल में शुरू हुआ है तो जिस दिन शुरू हुआ, और अगर ऑलरेडी चला आ रहा है पिछले साल से तो कैपिटल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फटाफट ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, कल का क्वेश्चन कर रहे हैं जो ग्रुप पे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन में हमें कोई डेट नहीं दे रखी, ठीक है, अगर डेट नहीं दे रखी तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करने होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करेंगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे और फिक्स करेंगे, कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख, कैपिटल के ब्रैकेट में आ गया 3 लाख, लाइबिलिटीज आर 50,000, लाइबिलिटीज आ गई 50,000, लॉस इज 70,000, लॉस अभी मैंने बताया था कैपिटल में एडजस्ट होता है, तो कैपिटल के ब्रैकेट में लॉस माइनस हो जाएगा 70,000, एंड कैलकुलेट द एसेट्स, आपको एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप बस इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 टीएस ग्रेवाल, ठीक है, एसेट कितने हो गए 50,000 प्लस ये माइनस हो गया 230, सो इट्स रुपीस, रुपीस का साइन मस्ट है अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएगा, रुपीस 2,80,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्लियर है, डेट नहीं दे रखी तो हम इस फॉर्मूला से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डेट नहीं दी है क्वेश्चन नंबर 19 में, सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 1,30,000, एसेट्स हमें दे रखे हैं, नेट वर्थ, मैंने जब अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर कराया था तो मैंने बताया था कि कैपिटल के कई नाम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल के कई नाम होते हैं, कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, दिस इज एक्सटर्नल इक्विटी एंड दिस इज टोटल इक्विटी, ठीक है, एसेट को हम टोटल इक्विटी भी कहते हैं, लायबिलिटी को हम कहते हैं एक्सटर्नल इक्विटी, और कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है, कैपिटल का दूसरा नाम है नेट वर्थ, बिजनेस की वर्थ कितनी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि बेसिकली वर्थ यानी जो हमारा हक है, साडा हक माइनस साडा उधार, जो हमारा हक है उसमें से अपना उधार माइनस कर दो, वो एक्चुअली बिजनेस की वर्थ है, यानी एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो तो वो कैपिटल ही तो हो गई, ठीक है, सो कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नेट वर्थ, तो इस क्वेश्चन में लिखा है नेट वर्थ यानी कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होंगे, लायबिलिटीज ही होंगी ना, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो क्रेडिटर्स विल बी रुपीज 50,000, ठीक है, हाँ ये नोट कर लो इनको क्या कहते हैं, टोटल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ।
नेटवर्थ यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी, साडा हक माइनस साडा उधार, ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके अंदर ना हमें डेट्स दे रखी हैं। कितनी डेट्स हैं हमारे पास? दो डेट्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है April 1, 2018, और दूसरी डेट कौन सी है? March 31, 2019। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करूं तो इनमें से ये शुरू में है, ये बाद में आएगी, यानी कि दिस इज ओपनिंग, ओपनिंग डेट एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ द ईयर, दिस इज क्लोजिंग डेट। मैंने कहा था स्टेप वन, अगर कोई डेट दे रखी है तो हर डेट पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो ट्राई करते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस डेट पे हमें क्या दे रखा है? ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। आज की डेट में मेरे पास 30,000 की कैपिटल है, बस और कुछ नहीं दे रखा। इट्स ओके, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि हो सकता है कोई मिसिंग फिगर निकल जाए, हो सकता है कुछ ना निकले, सिर्फ एक इक्वेशन आपके हाथ में आ जाए, इट्स ओके, आप उसको यही छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट 31st मार्च को एक और डेट आ गई, फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस डेट पे क्या दे रखा है? और 31st मार्च 2019 हिज एसेट्स वर्थ रुपीज 50,000, एसेट्स दे रखे हैं, and liabilities are 10,000, बस full stop। अब asset दियो है, liability दियो है, तो capital आ जाएगी। ये कौन सी capital है? ये closing date है, इसलिए ये closing capital है। तो जब मैं इसको solve करूंगी तो मेरे पास closing capital कितनी आ जाएगी? It will be ₹40,000। अगर आप क्वेश्चन आगे देखो, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, हमने निकाल ली क्लोजिंग कैपिटल, एक और पार्ट भी है, क्या एक चीज और फाइंड आउट करनी है, क्या? एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग दिस ईयर, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग दिस ईयर। तो प्रॉफिट के लिए मैंने ये स्टेप्स बताए थे ना, डेट दे रखी है तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ एंड देन यूज द अदर फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला? मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, आपने जब अपने स्कूल में सॉल्व करना है तो फुल फॉर्म्स लिखने हैं। कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्कर भी आता है, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। मैंने कहा था ना प्रॉफिट लॉस में से कोई एक चीज होती है, मैं लिख रही हूँ प्लस प्रॉफिट। जब ऐसा होता है तो हमारे पास बनता है क्लोजिंग कैपिटल। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है? ये ओपनिंग डेट थी और ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है 30,000। एडिशनल कैपिटल, पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं बताया कि ओनर ने कुछ और कैपिटल भी डाल दिया, मैं 0 ले लूंगी। ड्रॉइंग, पूरे क्वेश्चन में कोई ड्रॉइंग भी नहीं बताई, जो जो बताया था मैंने सब यूज कर लिया, चलो ड्रॉइंग भी। प्लस प्रॉफिट, ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाली थी 40,000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, रुपीज 10,000। ध्यान दीजिए ना, जो दो आंसर है मैंने उनको बॉक्स में डाला है, रुपीज का साइन कंपल्सरी है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने यूज नहीं करनी है। दोनों स्टेप्स एक बार चेक कर लो क्लियर है कि नहीं, जो डेट दे रखी थी उसने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, कोई मिसिंग फिगर निकली कोई नहीं निकली, इट्स ओके। एक बार ये फॉर्मूला यूज किया, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट, अगेन डेट दे रखी है, यस आई हैव गॉट अ डेट विच इज 1st अप्रैल 2018। ठीक है, 1st अप्रैल 2018। इस दिन यूजुअली जो हमारा ईयर होता है ना, अकाउंटिंग ईयर एक प्रिंसिपल है अकाउंटेंसी में, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल,
जो बिजनेस की पूरी लाइफ होती है, द एंटायर लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल इंटरवल्स विच इज यूजुअली वन ईयर. यूनिफॉर्मिटी के लिए कि सारे बिजनेस एक जैसा फॉलो करे, नेशनल इनकम इजीली कैलकुलेट हो जाए, टैक्सेस इजीली कैलकुलेट हो जाए, कंपैरिजन करने इजी हो जाए सबके लिए, यूजुअली हम एक साल के ड्यूरेशन को अकाउंटिंग ईयर कहते हैं. अब इंडिया में एक साल का जो ड्यूरेशन है हम उसे दो बार तरीके से देखते हैं. एक तो है इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, विच इज 1 January to 31 December, और एक है हिंदू कैलेंडर which is 1st April to 31st March of the next year, ठीक है, जिसको हम विक्रम संवत भी कहते हैं. So accounting year, accounting period इंडिया में दो होते हैं. एक है कैलेंडर ईयर, हमारा कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है, और एक है फाइनेंशियल ईयर. यूजुअली हमारे जितने भी टैक्सेस और डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर फाइनेंशियल ईयर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हिंदू ईयर को, ठीक है. सो वो स्टार्ट होता है 1 April से नेक्स्ट ईयर की 31 March तक, ठीक है. सो 1 April या 1 January यूजली ये ओपनिंग डेट सी होती है. ओपनिंग डेट है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. इस दिन मुझे क्या दिया हुआ है, ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000, मुझे ये वाली कैपिटल पता है, फुल स्टॉप. ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट. उसके पास एक स्टॉक था, स्टॉक था 15,000 का, स्टॉक एसेट है, जो कि उसने उधार पर खरीदा था, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और पेमेंट अभी की नहीं, यानी उसके ऊपर उधार भी है, साढ़ा उधार 15,000, ठीक है, तो लायबिलिटी के ब्रैकेट में आ गया. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स. अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वल तो नहीं बैठ रहा, यानी कि यहाँ पर कुछ अदर एसेट्स भी हैं जिनकी लिस्ट हमें नहीं पता, राइट. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे अदर एसेट्स कितने आ गए, अदर एसेट्स हमारे आ गए 75,000 के, मगर ये आंसर नहीं है क्योंकि आंसर क्या है, टोटल एसेट्स. तो टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 75 के अदर एसेट हुए और 15 का स्टॉक, तो टोटल एसेट कितने हो गए, 75 + 15,000 विच इज ₹90,000. दीज आर द टोटल एसेट्स. क्लियर है तो थम्स अप. मानवी क्लियर है, नहीं, ओके. मानवी मुझे बताओ कौन सा पॉइंट अनक्लियर है, क्वेश्चन पढ़ा था, ओके. देखो हमें एक डेट दे रखी थी, उस डेट पे हमें एक कैपिटल दे रखी थी, राइट. फिर हमें एक ट्रांजेक्शन दी थी, क्या भाई हमने 15,000 का स्टॉक खरीदा है और हमने उसकी पेमेंट नहीं करी अभी तक, तो स्टॉक कहाँ आएगा, एसेट्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस उधार है तो लायबिलिटी में. अगर ये ना होता तो क्या ये इक्वल होता, 15,000 इज इक्वल टू 90,000, नहीं ना, यानी कि यहाँ कुछ और भी होना चाहिए. तो उसकी लिस्ट तो मुझे पता नहीं है कि और कौन कौन से एसेट्स मुझे दे रखे हैं, तो मैंने उनको कहा लेट दीज बी अदर एसेट्स, जो मिसिंग है एसेट्स, ठीक है. फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मिसिंग एसेट्स की वैल्यू आ गई जिनकी लिस्ट हमें पता नहीं थी. तो फिर टोटल एसेट कैसे हुए, भाई जो मिसिंग एसेट हमने ढूंढे प्लस ये वाला स्टॉक, तो टोटल हुआ 90,000. क्लियर है या अभी भी डाउट है, क्लियर है. सिर्फ मेरे यकीन के लिए मत कहना, अगर है डाउट तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगी. डन डन, सबको डन, ठीक है. चलो अब इसका बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट, After a period of 1 month, तो B part 1 month, ये तो हुआ 1 April, 1 month यानी 1 May. अब ये closing नहीं है, ठीक है, this is not closing, क्योंकि अभी एक साल तो खत्म हुआ नहीं, एक महीने बाद, यानी एक date और आ गई, चलो अब इसकी बात करते हैं. Asset is equal to liability plus capital, वो क्या कह रहा है,
आफ्टर अ पीरियड ऑफ वन मंथ उसको पता चला कि उसको एक लॉस हो गया है और उसने एक ड्रॉइंग भी करी है, ठीक है। एक महीने बाद उसको पता चला कि उसको एक लॉस हो गया है और उसने एक 800 रुपए की ड्रॉइंग करी है। अब आप उसकी कैपिटल और एसेट्स बताओ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि भाई उसको एक लॉस हुआ है और उसने ड्रॉइंग करी है। यानी कि इस फॉर्मूला को यूज करके मुझे नहीं पता इस ड्यूरेशन के बीच में उसने और क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दीज एसेट्स। और ये फॉर्मूला अभी नहीं, पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सीधा डेट से नहीं निकाल सकते, पहले हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। आप डेट चाहे लिख ही रहो, फर्स्ट मई 2018, पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक उसकी ओपनिंग कैपिटल थी प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, अब उसमें प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैं इसको एक पल के लिए क्लोजिंग मान लू, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 75,000, क्या उसने कोई और कैपिटल डाली? नहीं बताया। क्या उसने कोई ड्रॉइंग की? यस, बताया था ना, ही विड्रू 800 फॉर पर्सनल पर्पस, 800 की ड्रॉइंग हो गई। क्या कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं। क्या कोई लॉस हुआ? यस। कितने का लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1700 का। यानी हमारे पास कैपिटल ऑन फर्स्ट में आ जाएगा। इस एक महीने में उसने एक ड्रॉइंग करी है और एक लॉस हुआ है। ड्रॉइंग और लॉस दोनों ही कैपिटल से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कैपिटल ऑन फर्स्ट मई 2018 आ जाएगा। 75,000 में से 2500 माइनस हो गए, सो इट्स 72,500। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, कैपिटल पता चल गई फर्स्ट मई को। एसेट इज इक्वल टू, अब तो ये बनाना ही पड़ेगा, फर्स्ट मई को मेरे पास कैपिटल कितनी थी, अभी मैंने निकाली है ना, 72,500। लाइबिलिटी कितनी है भाई? एसेट मुझे निकालना है, यानी कि लाइबिलिटी तो मुझे कोई लेनी पड़ेगी, वरना मैं सॉल्व भी नहीं कर सकती। उसने कुछ नहीं बताया तो मैं ये एज्यूम करूंगी कि जो मेरे पास पहले लाइबिलिटी थी वो अभी तक ड्यू चल रही है। अगर मैं ये लाइबिलिटी एज्यूम नहीं करूं तो मैं एसेट निकाल ही नहीं सकती। सो मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है। लाइबिलिटी तो उसने हिंट भी नहीं दिया कि एक महीने में लाइबिलिटी में क्या हुआ, तो मैं एज्यूम करूंगी कि जो लाइबिलिटी मेरे पास ये एंड में थी ना 75, ये अभी ये 15,000 अभी तक पेंडिंग चल रहा है, तो मेरे पास एसेट्स आ गए। एसेट्स ऑन फर्स्ट मे कितने हो गए? ₹87,500। देख लो एक बार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, देख लो। हाँ सक्षम, आप सही कह रहे हो कि लाइबिलिटी तो मैम एक महीने पहले वाली थी, लाइबिलिटी तो मैम एक मंथ पहले वाली थी, पर मुझे नहीं पता ना इस ड्यूरेशन में लाइबिलिटी में क्या चेंज किया, उन्होंने तो क्वेश्चन में कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया। अब अगर मैं लाइबिलिटी ये ना डालूं तो मैं एसेट कैसे निकालूं? इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग हो गई, फिर तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है एसेट निकालने का। तो मैंने एज्यूम किया कि भाई लाइबिलिटी वही है जो पहले भी थी, अदरवाइज आई कैन नॉट फाइंड एसेट्स। मैंने कैपिटल तो निकाल दी पर मैं एसेट्स कैसे करूं, क्वेश्चन पूरा कैसे करूं, ठीक है। सो अगर मुझे ये दे रखा होता ना कि हाँ फर्स्ट मे को ये लाइबिलिटी थी या हमने इसमें से थोड़ा सा पे कर दिया, तो भी मुझे समझ आ जाता कि लाइबिलिटी में क्या चेंज हुआ ओवर दिस ड्यूरेशन। मगर ना तो वो मुझे बता रहे हैं फर्स्ट मे को क्या लाइबिलिटी थी और ना ही वो मुझे ये बता रहे हैं कि भाई चेंज क्या हुआ है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचता, मुझे सेम लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, नहीं तो मैं एसेट्स निकाल ही नहीं पाऊंगी। आई होप अब क्लियर है, थम्स अप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट नंबर ए. मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018. डेट आ गई 1st अप्रैल 2018. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. स्टार्ट करते हैं. ही स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 10,000. ओके, तो कैपिटल आ गई हमारे पास 10,000. क्लियर. एंड borrowed rupees 3,000 from a friend. Borrowed, उधार लिया. He took a loan from his friend 3,000. Loan यानी business पर उधार. उधार यानी liability. तो 3,000 का एक liability उसने अपने सर पर business पे ले लिया. आगे वो कह रहा है, he earned a profit of 5,000 during the year ended 31st March 2019. देखो, मैं प्रॉफिट को यहां नहीं डाल सकती इसमें, क्योंकि ये 1st अप्रैल की बात हो रही है. सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट डेट 31st मार्च. ये ओपनिंग डेट है हमारी 31st मार्च 2019. ये फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहा है. ये क्लोजिंग डेट है. अब वो कह रहा है कि इस दिन he earned a profit of 5,000 and he withdrew cash for 4,000. यानी एक प्रॉफिट दे रखा है और एक 4,000 का उसने ड्रॉइंग करा है. अब आप बताओ, what is his capital? इस डे पे उसकी कैपिटल कितनी थी? देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, क्या इस दिन मुझे एसेट्स पता है? नहीं. सिमिलरली मुझे यहाँ भी एसेट्स नहीं पता थे. मुझे एक ही लाइबिलिटी पता थी, चलो एसेट्स हो जाते 13,000. ओके, पूछे ही नहीं उसने, तो मैं छोड़ रही हूँ अभी. क्या इस दिन मुझे एसेट पता है? नहीं. क्या इस दिन मुझे लाइबिलिटी पता है? चलो, फॉर द टाइमिंग अगर मैं ये लाइबिलिटी भी कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है. इस दिन की कैपिटल मुझे नहीं पता, मुझे तो ओपनिंग कैपिटल पता है. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो पहले मैं वो फॉर्मूला ही लगा दूं, ठीक है. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, तब बनता है क्लोजिंग कैपिटल. सो अगर मैं इसमें फिल इन द ब्लैंक करूं, ओपनिंग कैपिटल 10,000, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे नहीं रखी, ड्रॉइंग दी हुई है, ड्रॉइंग इज हाउ मच 4,000, और प्रॉफिट दिया हुआ है, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000. तो मेरे पास यहां से आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल. सो द आंसर क्लोजिंग कैपिटल दैट इज ऑन 31st मार्च 2019 आई हैव ₹11,000. मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई 11,000 की. बस फर्स्ट पार्ट में तो उसने मुझसे यही पूछा था, क्लोजिंग कैपिटल बता दो. ऐसे पैसे पूछे नहीं, तो मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की जरूरत है नहीं. इसको बनाने से मुझे कोई फायदा हुआ नहीं, पर मैंने फिर भी बना ली थी, क्योंकि हम ना यूजुअली मैं ऐसे नहीं करती मैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ू फिर दिमाग लगाऊ. मैं साथ साथ करती जाती हूँ, तो अपने आप मिसिंग चीजें निकलती रहती हैं जो पूछी होती है. ठीक है, सो चेक करो आ गया, नहीं तो दोबारा बताऊं. श्योर, ठीक है. पंचिका नहीं आया? ओके, चलो हम नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट. अच्छा, वो क्वेश्चन ही दूसरा है. ए तो मोहन के बारे में था, बी महेश के बारे में. ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूं. क्वेश्चन 24 बी पार्ट. महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000. हमें दो डेट्स दे रखी है. एक है 1st अप्रैल 2018. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. इस दिन मुझे बस कैपिटल पता है, ना तो मुझे एसेट्स. अच्छा, सॉरी, हाँ, इस दिन मुझे सिर्फ कैपिटल पता है.
ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3000, ही ओज 2500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स. इस दिन मुझे और कुछ नहीं पता, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये ड्यूरिंग द ईयर हुई है. ठीक है, अगली डेट डाल देते हैं 31st March 2018. ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3000. देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस कैपिटल के अंदर ही आप इस प्रॉफिट को ऐड कर दो. एक तरीका तो ये भी है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ना लगा के यहां कर दिया. He owes 2500 to supplier of goods. यानी आपको एक liability भी दे दी है. Find out the total assets. ये आपको निकालने थे. देखो अगर आपको ये clear है, अगर ये clear नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बीच में एक step add कर सकते हो कि opening capital 15,000 है, मुझे 31 मार्च की क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी. सपोज मुझे ये नहीं दे रखा, ठीक है, सपोज मैं इसको यहाँ नहीं लिखती, लेकिन मुझे ये वाली कैपिटल नहीं दे रखी, ये मुझे निकालना है. इसको निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, वरना मेरा सॉल्व भी नहीं हो सकता. अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने का क्या तरीका है, मेरे पास बस एक फॉर्मूला ही बचता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, दैट मेक्स क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग है 15,000, एडिशन इसने कुछ किया नहीं, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है, ड्रॉइंग भी कुछ नहीं किया, 3000 का प्रॉफिट है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2019 को कितनी आ गई, 18,000. नाउ आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, पुट वैल्यू इन इक्वेशन वन. सो एसेट इज इक्वल टू 2500 प्लस 18,000. So assets on 31st March 2019 ₹20,500. एक बार मैं सम अप कर देती हूँ. हमें एक डेट दे रखी थी, उस दिन हमें सिर्फ ये कैपिटल पता थी. इस साल के बीच में उसने 3000 का प्रॉफिट कमाया और 2500 का एक क्रेडिटर एक उधार था. फर्स्ट डेट पे मेरे पास सिर्फ ये पता था, तो मैं इस ट्रांजेक्शन पे से कुछ नहीं कर सकती. फिर मेरे को क्लोजिंग डेट पे मुझे ये पता था मेरे पास एक उधार है 2500 का, मुझे एसेट्स निकालने हैं, पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता थी. तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आई नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला से मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिली, जिसको मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एसेट्स निकाल दिए. अगर मैं चाहूंगी मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस भेजूंगी. पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हल्के में मत लेना. अकाउंटिंग इक्वेशन लगता बहुत है, लगता यार बच्चों वाला खेल है, मगर एक ही बार आप इसकी प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ना आप अब जब जर्नल सीख गए हो तो आप जर्नल ही जर्नल करते जाओगे. तो जर्नल की प्रैक्टिस तो हर क्लास में हो रही है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस बस इसी समय है जब ये चैप्टर चल रहा है. बार बार प्रैक्टिस नहीं होगी इसकी. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, और अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन अभी भी आएगा. एक बार आपको ये चैप्टर स्कूल में पढ़ा दिया तो ये लगभग अभी फर्स्ट यूटी में भी आएगा, जिसका नहीं हुआ है, मिड टर्म में भी आएगा और फाइनल टर्म में भी आएगा, पक्का है. अभी चलो 8 नंबर का आ जाएगा, तब 5 या 4 नंबर का आ जाएगा, पर आएगा जरूर. ठीक है, सो जब भी इस क्लास के बाद इन क्वेश्चंस को जरूर करना, जरूर बिना देखे करने की कोशिश करना समझकर. यही होमवर्क है आपका, एक तो ये वाले सारे क्वेश्चंस करने और जो मैं भेजूंगी वो करने. ठीक है, सो कैन आई टेक अ टेस्ट ऑन संडे ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. मैंने संडे और कोई टेस्ट बताया था, तो संडे मैं एक टेस्ट रखती हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का. Mohan started a business on 1st April 2018. Asset is equal to liability plus capital. Mohan started a business with a capital of 25,000 and a loan of 12,500 borrowed from Shyam. आज ही हो गया ये तो, ठीक है, आज ही उसने
लोन भी ले लिया तो मेरे पास एसेट्स आ जाएंगे, एसेट्स ऑन 1st अप्रैल, चाहे उसने पूछे हैं या नहीं। चलो अगर हमने निकाल भी दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दीज आर एसेट्स ऑन 1st अप्रैल 2018। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500 एंड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो अब आपको ना इसको पढ़ के थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला यूज होना है क्लोजिंग कैपिटल वाला। भाई एडिशनल कैपिटल दे दी, ड्रॉइंग दे दी। ठीक है, आगे देखो, ऑन 31st मार्च, एक डेट और आ गई, पहले डेट का ही काम खत्म करें। 31st मार्च एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑन 31st मार्च हिज एसेट्स वर 75,000। ठीक है, उसने कहा ये एसेट्स हैं 75,000 के। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st मार्च और प्रॉफिट भी निकालो। अब उस हमको कैपिटल भी नहीं पता, वो कह रहा है एक तो ये कैपिटल निकालो और प्रॉफिट भी निकालो। मुझे अब इस पर्टिकुलर डेट पे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एसेट्स पता है, मुझे ये वाली कैपिटल भी नहीं पता। दिस इज कैपिटल ऑन 31st मार्च, मुझे नहीं पता, ये तो मुझे निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए लायबिलिटी पता होना जरूरी है, राइट? लायबिलिटी के बारे में तो क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा, तो मैं क्या एज्यूम करूंगी कि जो पुरानी लायबिलिटी है वो अभी तक भी है। अगर मैं ये एज्यूम नहीं करूंगी तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकती। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31st मार्च की कैपिटल आ जाएगी, विच इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट, ये सब करने के बाद हमारे पास आती है क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 25,000। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। ड्रॉइंग हमारे को उसने दे रखी है 7,500। प्रॉफिट हमें निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल यहां से आ गई 62,500। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 32,500 का। कोई डाउट है तो पूछो।